हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज जो हम दाल बनाने वाले हैं वो मोरिंगा लीव्स की तरह डालकर बनाएंगे। ये धुली मूंग दाल है जिसको मैंने सोख करके रख लिया है 10-15 मिनट पहले। इसको अच्छे से धो लेंगे। ये 3 टेबलस्पून के करीब है, 2.5 टेबलस्पून के करीब, और ये 1.5 टेबलस्पून तुअर दाल है, 4 लहसुन की कलियाँ हैं, 1/2 इंच अदरक है, 1 छोटा सा प्याज है, थोड़ा बड़ा टमाटर था तो मैंने आधा लिया है, आप छोटा एक टमाटर ले सकते हैं। हैंडफुल ऑफ ये हैं मोरिंगा लीव्स जिनको बारीक चॉप कर लेंगे। तो आइए दाल चढ़ाते हैं। ये देखिए, दाल को धोकर हमने दाल में पानी डाल दिया है। नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे, थोड़ी सी इसमें हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून, क्योंकि दाल हमारी कम है, दाल की क्वांटिटी कम है। और इसमें अब हम कटी हुई मोरिंगा लीव्स डाल देंगे। देखिए कितनी बढ़िया ये लग रही हैं और बहुत बहुत न्यूट्रिटिव हैं। ये ज़रूर अपने खाने में शामिल कीजिए अगर आपके पास अवेलेबल हैं। साउथ में ये बहुत मिलती हैं, तो जो सहजन बोलते हैं ना, फलियां, ड्रम स्टिक्स, उनके पत्ते हैं ये, तो मोरिंगा लीव्स इनको बोलते हैं। ज़रूर आप कीजिए। तो कुकर को करते हैं बंद। जब तक दाल तैयार हो रही है हम तड़का बना लेते हैं। 1 से 1.5 चम्मच हमने घी डाला है, 1 चम्मच हम जीरा डाल रहे हैं, और साथ ही इसमें 2 पिंच हम हींग डाल देंगे। हींग का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। और 3 कलियां लहसुन ना हमने कूट लिया है, देखिए क्रश कर लिया है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इनको चलाते हुए ऐसे भून लेंगे। इनको क्रश कर लिया, आप ग्रेट कर सकते हैं तो इसका फ्लेवर अच्छा आता है दाल में। लहसुन भुन गया है, अब हम इसके साथ डाल देंगे प्याज। 1 कटा प्याज हमने डाल दिया है और इसको भून लेंगे अच्छे से। देखिए जब प्याज ऐसे भुन जाए ना, तब हम ये पिसा हुआ अदरक डाल देंगे और फिर ये कटा हुआ टमाटर, 1 कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे। टमाटर सॉफ्ट होने तक हम इसको भूनेंगे। थोड़ा सा मैं पानी डाल दूंगी ताकि जले नहीं, है ना, और अच्छे से ये भून जाए, सॉफ्ट हो जाए टमाटर। टमाटर जल्दी गल जाए उसके लिए थोड़ा सा नमक हम डालेंगे, ध्यान नहीं रहा मुझे, वैसे गल गया है, पर इसमें छौंक में भी आप डालिए, थोड़ा सा हमने दाल में डाला है तो ध्यान रखें इस बात का। इसको करते हैं मिक्स। देखिए अच्छे से भुन गया है, क्योंकि हमने घी और तेल ज़्यादा नहीं डाला ना, तो भूनने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखिए मसाला भुन गया है, और मैं आपको दाल भी दिखाऊं कितने अच्छे से गल गई है, देखिए, है ना। तो 2 विसल लगा के हमने प्रेशर अपने आप ठंडा होने दिया, और अब हम इसमें ये दाल डाल देंगे, और अब हम देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको दाल थिक लगे ना तो आप बॉयल पानी ही डालिए। मैंने इसमें 1/2 कप के करीब ना बॉयल पानी डाला है, क्योंकि अगर आप ठंडा डालेंगे ना तो वो टेस्ट नहीं आएगा। और ये देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गई है दाल, कितनी बढ़िया दाल बनी है। टेस्ट करके देख लें, नमक वगैरह अगर कुछ भी कम लगता है तो आप ऐड कर सकते हैं। अब इसमें आप चाहें तो गर्म मसाला ऐड कीजिए, मैं कुछ नहीं ऐड कर रही हूँ। तो इसको प्लेटिंग करते हैं इसकी दाल की। ये देखिए, ये इसमें हमने थोड़ा सा घी डाल दिया है, देखिए लग रही है ना यम्मी। और ये दाल भी बहुत बहुत अच्छी बनती है, देखिए जरा सा घी का फ्लेवर आ जाए ऊपर से, बस कहना ही क्या है, लग रही है ना टेस्टी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। भाई आप बनाएंगे और बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा कि मेरी रेसिपी बनाने का कोई फ़ायदा है। लाइक दीजिए, हौसला अफजाई कीजिए ताकि मैं नई नई रेसिपी लेकर आपके सामने आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।